Welcome to lecture 2, analysis and design of axially loaded angle struts. Okay, in this session we will see analysis and design of axially loaded angle struts, जो struts की हम लोग चर्चा कर रहे थे और इसके specification के बारे में हम लोगों ने already देख लिया है कि effective length क्या होगा और permissible stress कैसे निकालेंगे in axial compression, तो वो सारी चीजें. उसके बाद हम लोग numerical पे चलेंगे जिसमें strength calculation और design of एंगल स्ट्रट्स की बात होगी. सो सबसे पहले हम लोग चलते हैं और स्टेप वाइज जो हमारा डिजाइन प्रोसीजर है, कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे एंगल स्ट्रट को, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे. तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि इस चैप्टर में हम लोग दो चीज़ देखेंगे, एक तो स्ट्रट का डिजाइन देखना है और एक कॉलम का कॉम्प्रेशन मेंबर में. तो पहले अभी स्ट्रट की ओर चलते हैं, इसमें देखते हैं कैसे डिजाइन करेंगे. तो सबसे पहला जो डिजाइन का स्टार्ट है, उसमें हम लोग सबसे पहला स्टेप हमारा है कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड ग्रॉस सेक्शनल एरिया. सो हमारे पास क्या गिवन रहता है, ये जैसे अब पहले भी हम लोग डिजाइन कर चुके हैं, तो हमारे पास लोड रहता है, पता है ना ये चीज, लोड रहता है. लोड आपको दिया रहेगा और उस लोड पे निकालना होगा. या क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है कि सेफ लोड निकालिए, तो वो स्ट्रेंथ कैलकुलेशन का क्वेश्चन जिसमें होता है. जब डिजाइन करने के लिए पूछा जाएगा तो लोड दिया रहेगा, उसके बाद ये चीज भी पता रहेगा लेंथ क्या है, ठीक है, उसका एक लेंथ पता रहेगा, डायमेंशन पता नहीं रहे उसके, जो किस सेक्शन को यूज करना है वो पता नहीं रहेगा, बट उसका लेंथ पता रहेगा, आपको कितने लेंथ में डिजाइन करना है ये पता रहेगा. उसके बाद एंड कंडीशंस भी हो सकता दिया जा सकता है और कभी कभी नहीं भी दिया जा सकता है. तो हो सकता है आपको सिर्फ लोड दे दे और डिजाइन करने बोल दे, या ये चीजें भी दे दे, राइट. सो इस पे आपको इसके हिसाब से फिर हम लोग फर्दर जो स्लेंडरनेस रेशियो देखते हैं, जो इफेक्टिव लेंथ की बात करते हैं, तो उस तरह से चलेंगे. अगर नहीं देता है तब आपको एजम्पशन करना पड़ेगा, एज्यूम करिए. ओके, सो स्टेप वन में हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड ग्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, ग्रॉस सेक्शनल, समझ गए. यहाँ पे हम लोग नेट की बात नहीं करते हैं, ग्रॉस की बात करते हैं. इसका मतलब क्या हुआ, कौन बताएंगे? तो इसमें डिडक्शन नहीं, बिल्कुल इसमें डिडक्शन कोई इंक्लूड नहीं करेंगे. जैसे B इंटू टी मतलब ये हो गया ग्रॉस. और जैसे मान लीजिए हम लोग वहाँ जब वहाँ एंगल सेक्शन में जाते थे, वहाँ पे कोई रिवेट लगा हुआ रहता था, तो इसका हम लोग क्या करते थे, घटा देते थे, है ना, माइनस कर देते थे. तो A नेट जब बोलते थे उसमें हम लोग ग्रॉस में ही से घटाते थे, ग्रॉस माइनस डिडक्शन. बट यहाँ पे हम लोग को डिडक्शन नहीं देखना है, राइट, इस पे आपको जाना ही नहीं, क्योंकि जो कॉम्प्रेशन मेंबर है ये जो फेल कर रहा है, ठीक है, ये कॉम्प्रेशन के कारण फेल कर रहा है. प्लस इसका फेलियर जो है दो तरह से होगा, कौन कौन से तरीके से होगा, एक क्रशिंग और एक बकलिंग सर. हाँ, क्रशिंग और बकलिंग हो सकता है. सो जैसे मान लीजिए कोई भी हमारा कॉम्प्रेशन मेंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ ये कनेक्शन किया हुआ है वहां से इसका फेल करने का चांस ज्यादा नहीं है, ठीक. लेकिन कॉम्प्रेशन में है तो होता क्या है कि हो सकता है ये किसी भी सेक्शन से फेल कर जाए कहीं भी. तो ये चीज जो है हम लोग यहाँ इस पे डिजाइन नहीं करते, हम लोग ग्रॉस पे डिजाइन करते हैं, राइट. मतलब ये कहीं हमारा क्रशिंग या बकलिंग, क्रशिंग या बकलिंग कहाँ होता है आपने देखा होगा, वो कनेक्शन पे होता है क्या, बोलिए. बेंडिंग ज्यादा कहाँ पे होता है, आपको देखिएगा जो बीच वाला पार्ट है, जैसे ये कोई कॉलम है, तो जैसे देखा जाए तो अगर इसमें इस तरह से कुछ बकलिंग होगा, लोड बढ़ेगा, तो हमको ये सेक्शन ज्यादा क्रिटिकल होगा ना. तो जो क्रिटिकल सेक्शन है यहाँ पे हमारा कोई डिडक्शन नहीं है, क्लियर है ये बात, कोई डिडक्शन नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग ग्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग ले रहे हैं. तो जो भी आपका जिस शेप का भी हमारा जो कॉलम होगा उस शेप से उस सेक्शन का हम लोग एरिया निकालेंगे और ग्रॉस एरिया निकालेंगे, ठीक. तो जो भी स्टील टेबल में आप देखते होंगे वो सब क्या है, ग्रॉस एरिया दिया हुआ रहता है, ठीक. तो डायरेक्टली हम लोग वहां से जो एरिया आएगा उसी का यूज कर लेंगे. चलिए, तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा है इसमें हम लोग करेंगे कि रिक्वायर्ड एजी क्या है, ग्रॉस सेक्शन एरिया क्या है. तो रिक्वायर्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करना होगा, लोड अपॉन स्ट्रेस. अब यहाँ पे हालांकि हमको ये पता नहीं है, नहीं पता है ना, और ये जो है आपको सिर्फ और सिर्फ जैसे हम लोग सिग्मा एटी की बात करते थे, ये किस पे डिपेंड करता था, याद है, कौन बताएंगे, सिग्मा एटी किस पे डिपेंड करता था, स्लेंडरनेस रेशियो और सर पर, मतलब सिग्मा एटी के बात है, हम टेंशन मेंबर की बात कर रहे हैं,
कुछ इस तरह का रिलेशन था, तो वो यील्ड स्ट्रेस पे डिपेंड करता था ओनली। बट इन दिस केस जो सिग्मा एसी है इसका ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ये दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, ठीक। डिपेंडिंग ऑन, एक तो हो गया आपको कि एफ वाई पे डिपेंड करेगा, ठीक है, एफ वाई बदलेगा तो सिग्मा एसी बदलेगा, और एक और पैरामीटर जो आ गया वो है स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है। स्लेंडरनेस रेशियो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, और ये जब निकल जाएगा तब जाके हमको पता चलेगा कि सिग्मा एसी क्या है। तो हम लोग को इनिशियली पता नहीं है कि सिग्मा एसी क्या है, बट फॉर डिजाइन हम लोग कुछ एज्यूम करते हैं, ठीक। सिग्मा एसी का वैल्यू जो है स्ट्रट के केस में आप लोग इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं कि सिग्मा एसी को 80 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एज्यूम कर लीजिए फॉर स्ट्रट ऑफ रूफ ट्रस। तो जनरली यही डिजाइन करना है, एंगल स्ट्रट का डिजाइन करना है जो कि रूफ ट्रस में यूज होता है, ठीक, या और भी किसी टावर्स वगैरह में यूज होते हैं वहां पे। तो अगर इसका रेंज अगर चाहिए तो रेंज जो है 65 से लेके 80 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लिख लीजिए, इस रेंज में आप इसको एज्यूम कर सकते हैं, ठीक। इस रेंज में कभी कहीं भी एज्यूम करेंगे तो ज़्यादा अलग नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक रहेंगे, अप्रोक्सीमेटली ये सही है। तो ये डिजाइन प्रैक्टिस से पता चलेगा, ठीक है। तो हम लोग इनिशियली इतना मान लेते हैं कि हम लोग 80 एज्यूम करेंगे या इसके बीच कोई भी वैल्यू एज्यूम करेंगे और यहाँ पुट कर लेंगे, तो लोड गिवन रहेगा और ये यहाँ देंगे और एजी निकल जाए, रिक्वायर्ड एजी निकल जाए। तो सपोज कि अगर हमारा लोड जो है 210 किलो न्यूटन है तो हमारा रिक्वायर्ड एजी कितना होगा, क्या करेंगे, एज्यूम कर लीजिए कि एज्यूम कर लीजिए सिग्मा एसी इज 80, तो बताइए कितना हो जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया सर ये हो जाएगा सर 2625 mm square, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि इतना रिक्वायर्ड है, इतना जरूरत है, और बेस ऑन दिस बेसिस इसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे, अब स्टील टेबल में जाएंगे और फिर चूज करेंगे सेक्शन, तो वो अभी स्टेप सेकंड में। तो सब पहला स्टेप आपको ये है, तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टेप सेकंड में चलते हैं। देखिए तो ये वही काम करेंगे जो वहाँ करते थे टेंशन मेंबर में, स्टेप टू में सिलेक्शन ऑफ ए सुटेबल सेक्शन। अब सुटेबल सेक्शन जैसे एंगल स्ट्रट की बात करें तो हम लोग क्या करना है, एंगल चूज करना होगा, क्या चूज करेंगे, सिंगल एंगल या डबल एंगल, यही दोगे ना, क्लियर है, सिंगल एंगल और डबल एंगल यही चूज करना है। तो इसी का टेबल में जाके देख लेंगे, स्टील टेबल में सिलेक्ट अ सुटेबल सेक्शन यूजिंग रिक्वायर्ड, इसको आर कर दीजिए, रिक्वायर्ड ग्रॉस सेक्शनल एरिया फ्रॉम स्टील टेबल, और स्टील टेबल से हम लोग जो भी ग्रॉस, जैसे हम लोग माना कि रिक्वायर्ड हमारा कुछ कितना भी आया था 2625 mm इतना आया था, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो स्टील टेबल में जाके इससे जो ज़्यादा होगा उसको चूज करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा क्लोज होगा वो नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए 2690 है, अगर इसको करिएगा तो थोड़ा ये रहेगा कि फेल भी कर सकता है, इसलिए इसे जो ज़्यादा होगा मान लीजिए 3000 कहीं करीब में है तो इसको उठा लिए, इसको ले लिए, इसको चूज कर लिए और कर लिए। तो सेम केस है, ये चीज़ ये स्टेप तो आपको पहले ही पता होगा, करके आए हैं तो आप कॉन्फिडेंस आ गया होगा, तो आराम से चूज करेंगे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और इसमें एक चीज़ और कि सिंगल एंगल स्ट्रट हो सकता है, डबल एंगल स्ट्रट होती है, ये जनरली आपको एंगल स्ट्रट में एंगल सेक्शन ही चूज करना है, तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है कि और कहीं भागना है, राइट। सो जब भी हम लोग कोड में जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे, ISA में जाएंगे, और वहाँ पे दो तरह की चीज़ दे रखी होंगी, एक तो होता इक्वल लेग, ठीक है, एक अनइक्वल लेग हुआ, ये ना दो तरह का, कोई भी इसमें से ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी एंगल सेक्शन इसमें से हम लोग ले लेंगे, L1 या L2 कर दीजिए, कोई इसमें बराबर होगा तो वो इक्वल होगा, नहीं बराबर होगा तो अनइक्वल होगा। चलिए ये देखिए स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, कॉम्पिटिशन ऑफ लिस्ट रेडियस ऑफ डायरेक्शन। सो इन दिस केस हम लोग कोड से ही, ये कोड से पता चल जाएगा, और इसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगर हम लोग जो सेक्शन चूज किया है उसके बारे में आपको सब कुछ दिया रहता है, उसका
जो आर एक्स एक्स है वो दिया रहेगा, आर वाई वाई दिया रहेगा, आर यू यू और आर वी वी, ये चारों चीज जो है आपको स्टील टेबल से मिल जाएगा। ठीक, तो लिस्ट देखना है, तो लिस्ट का मतलब क्या हुआ, मिनिमम है ना, इनमें इनमें चारों में जो सबसे छोटा होगा उसको मान लेंगे हम लोग आर। ठीक है, ये हो गया लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, और इसका यूज हम लोग करेंगे स्लेंडरनेस रेशियो निकालने के लिए। क्लियर है ये चीज, तो ये वैल्यू 1 2 3 4 चारों वैल्यू आपको लेना है। ओके, टेबल में देखे है ना ये चीज, बताइए। यस सर, यस। मतलब ये जो है यू यू क्या होता है और वी वी क्या होता है, बताइए। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, उसके अबाउट जो आपका रेडियस ऑफ गायरेशन है वो दिया हुआ है यू यू एंड वी वी। तो हम लोग चारों को मिला के देख लेंगे, तो जो भी कोई एक बार सेक्शनल उठाया तो उसका हम लोग ये सब लिख लेंगे। ठीक है, एक तो हम लोग एरिया लिखेंगे, कोई भी सेक्शन ली तो एरिया लिखेंगे, उसके बाद ये चारों लिख लेंगे। ठीक, ये जरूरत पड़ेगा हम लोग को, और उसके बाद और भी जो जरूरत पड़ेगा उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। देखिए चौथा स्टेप जो है हमारा, ये जो स्टेप है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन भी बनता है। तो कैलकुलेशन ऑफ द इफेक्टिव एरिया, कैलकुलेट द इफेक्टिव एरिया ऑफ द स्ट्रट फ्रॉम गिवन लेंथ एंड एंड डिस्टेंस। सो इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर रहे थे, तो एक टेबल है जो मैं आपको बता देता हूँ, बस उससे हम लोग देख लेंगे कि किस बीच में आ रहा है। जैसे ये टेबल देखिए, तो पिछला क्लास में आपको एक दो चीज़ जो है मिस हो रहा था, एक ये जो था ये यहाँ पे चेंज है। ठीक, और एक ये यहाँ पे चेंज है, पिछली बार ये थोड़ा गलत रह गया था, उसको सुधार लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये दो वैल्यू मिस हो गया था पिछली बार टाइपिंग एरर के कारण। चलिए, सो अगर स्ट्रट हमारा कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस स्ट्रट है, तो इफेक्टिव लेंथ जो है हमारा इसके बीच में आप ले सकते हैं 0.7L टू 1.0L। ठीक, ये हो गया L जो है यहाँ पे, वो कौन सा लेंथ है जिसको हम लोग बोल रहे हैं अनसपोर्टेड लेंथ और पिन टू पिन। जैसे मान लीजिए ये है, ये आपको गिवन भी रहेगा, सो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है, ठीक है, वो चीज है अनसपोर्टेड लेंथ, या लेंथ जो है आपका ये दोनों के बीच जो आपको सपोर्ट यहाँ है। ठीक, तो इसके बीच का लेंथ हो गया, अनसपोर्टेड लेंथ बोलते हैं इसको। और इफेक्टिव लेंथ अलग चीज है, इफेक्टिव लेंथ क्या है बताइए, बाय डेफिनेशन क्या बोलेंगे उसको, प्लेजर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। हाँ, ये बोल सकते हैं कि दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। ठीक है, तो उसका तो आप लोग अलग अलग जानते होंगे, जो कॉलम का हम लोग इफेक्टिव लेंथ निकालते हैं वहाँ ज्यादा क्लियर होता है। ठीक है, उसका आप डिजाइन पे आएंगे। चलिए, इसके बाद कंटिन्यूस स्ट्रट में तो ये चीज करेंगे, उसके बाद अलाउबल जो स्ट्रेस है वो सिग्मा एसी ही रहेगा। ठीक है, इसको घटाते नहीं, कुछ कुछ जगह घटाते हैं, जैसे आगे चल के देखते हैं। अब हम लोग सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट की बात करें, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट, इसमें दो केस, अगर वन रिवेट, अगर एक ही रिवेट लगा हुआ है कनेक्शन में, एंड कनेक्शन में, उस केस में इफेक्टिव लेंथ जो होगा आपको एल के इक्वल हो जाएगा, और उसका जो अलाउबल स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाएगा 80% पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब 20% घटा दीजिए, 0.8 से इसको मल्टीप्लाई हमने कर दिया। ठीक है, तो इसको कम करके लेते हैं, 0.8 into सिग्मा एसी, ये चीज़ भी ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। अगर सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूस स्ट्रट अगर टू और मोर रिवेट और बिल्डिंग से कनेक्टेड है, ठीक है, इसका एंड कंडीशन, इन दैट केस इफेक्टिव लेंथ जो होगा 0.85L होगा। ठीक, ये भी ध्यान रखना है, इस टेबल को आप लोग एकदम लिख लीजिएगा और इसको याद कर लेना है ताकि हम लोग को कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद इधर सिग्मा एसी ही रह जाएगा, अलाउबल स्ट्रेस जो है इन दिस केस। उसके बाद डबल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट की अगर हम बात करेंगे, तो हो सकता है ये बोथ साइड्स हो, दोनों साइड कनेक्टेड हो, और सेम साइड, दोनों साइड का मतलब क्या हुआ, एक इधर एंगल और एक इधर एंगल। ठीक है, इस तरह से दोनों साइड, टू और मोर रिवेट्स और बिल्डिंग, और इसमें रिवेट जो है 2
टू और मोर रिवेट लगा हो या वेल्डिंग किया हो. सो इन दैट केस 0.87 एल टू 0.85 एल इसके बीच में आप कोई भी वैल्यू उठा के ले सकते हैं. ठीक, ये इफेक्टिव लेंथ इसके बीच में हम लोग लेंगे. उसके बाद जो भी अलाउबल स्ट्रेस है वो जितना था उतना ही रह जाएगा, इसमें कोई रिडक्शन नहीं करते हैं. अगर ये सेम साइड रहेगा, डबल एंगल दोनों सेम साइड रह गया, एक ही साइड में है लगा हुआ इस तरह से, ठीक, सो इन दिस केस हमारा इफेक्टिव लेंथ एल रह जाएगा और अलाउबल स्ट्रेस घट जाएगा, 0.8 सिग्मा एसी हो जाएगा. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यस सर. ये टेबल काफी हेल्पफुल है, ठीक है ना. उसे जब हम लोग पढ़िएगा, जैसे बुक में जाइएगा तो टेबल इस तरह से नहीं बनाया गया कहीं भी. इस टेबल को आप लोग ये कर ध्यान रख सकते हैं कि हाँ इस तरह से होगा, तो ये टेबल लिखा रहेगा, आप कभी जाके देख सकते हैं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे पास इफेक्टिव लेंथ पता चल गया, दिस इज इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, ये इफेक्टिव लेंथ है पता चल गया है हम लोगों को, और ये भी तो पता चल गया लिस्ट रेडियस ऑफ वेरिएशन, ठीक है, लिस्ट रेडियस ऑफ वेरिएशन पता चल गया. अब ये दोनों पता चल गया तो हम लोग ये निकाल सकते हैं, इसको बस एल बाय आर कर देना है. और ये निकलने के बाद हम लोग फिर आगे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग जब सिलेंडर से इसको निकाल लेंगे और जब हमको एफ वाई पता चल जाएगा तभी हम लोग सिग्मा एसी निकाल सकते हैं. तो अभी हम वहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है हम लोग. तो अभी स्लेंडरनेस रेशियो निकालेंगे एल बाई आर करके, ठीक है. तो इस स्टेप में ये करना है. अब आगे बढ़ते हैं और इसका लिमिट भी देख लेते हैं कि क्या मैक्सिमम लिमिट रखना है. आपको याद होगा मैक्सिमम लिमिट टेबल पता है सबको, लास्ट क्लास में जो टेबल मैंने बताया था उस टेबल से आपको चेक भी करना है. तो स्टेप जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, स्टेप सिक्स जो है, इसमें आपको चेक फॉर स्लेंडरनेस रेशियो. अब हमारा स्लेंडरनेस रेशियो जो है अगर मैक्सिमम से छोटा है तो सेफ है, अगर वो मैक्सिमम से ज़्यादा हो जाता है तो अनसेफ हो जाएगा, राइट. ये केस नहीं चलेगा और हम लोगों को इन दिस केस कोई अलग सेक्शन फिर चूज करना होगा और फिर से रिपीट करना होगा प्रोसीजर जो ऊपर से है, वन से लेके फिर जो फाइव तक का जो है आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा. क्लियर है ये बात? यस सर. पता है ना जो स्लेंडरनेस रेशियो मैक्सिमम आपको टेबल में लिखा हुआ था 180 लिखा हुआ था, जो डेड लोड और लाइव लोड के कारण ओनली, विंड लोड आता है और रूफ ट्रस की हम बात करते हैं 350 आपको पता होगा. तो उससे हम लोग को चेक करना होगा स्लेंडरनेस रेशियो कि जो हम ले स्लेंडरनेस रेशियो है मेरा कॉलम का जो हम ले रहे हैं, जो स्ट्रट ले रहे हैं, क्या उसका 350 से ज़्यादा है, क्या 180 से ज़्यादा है, क्या उससे कम है. अगर कम है तब ठीक है, कम है तो सेफ है और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. अगर नहीं है तब उसमें आगे नहीं बढ़िए, फिर आप दूसरा कोई सेक्शन चूज कीजिए, ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सिग्मा एसी निकालेंगे. और सिग्मा एसी निकालने के लिए मैंने बताया ही लास्ट क्लास में कि सिग्मा एसी के लिए हम लोग को दो वैल्यू चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए. तो ये भी पता चल गया, ये तो पता ही है शुरू से, और ये पता चल गया. और जैसे ही लेमडा पता चल गया, सिलेंडर रेशियो पता चल गया, तो जो टेबल है हमारा कोड में IS 800 में 5.1 टेबल, उससे जाके हम लोग सिग्मा एसी को किस कैसे निकालेंगे, किस तरीके से, इंटरपोलेशन करके, ठीक है, इंटरपोलेशन करके हम लोग. तो मान लीजिए हमारा लेमडा कहीं भी आता है तो इसके बेसिस पे हम लोगों को देखना होगा, उसका दो वैल्यू देखेंगे टेबल में जाके किसके बीच में आ रहा है, फिर वहां से कर लेंगे. क्लियर है ये बात? ये टेबल आप लोगों ने देख लिया है, टेबल को लिखना नहीं है बट बुक में भी टेबल दिया हुआ है, ठीक. तो इसको एक रेफरेंस में अभी रखिए, बाकी बोर्ड में तो दिया रहेगा, या तो कोड दे देगा अलाउ करता है, या आपको वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, दो वैल्यू दे दिया मान लीजिए इस तरह से दे देगा, हो जाएगा, ये निकल जाएगा सिग्मा एसी. यस सर, निकल जाएगा, ठीक है. यहाँ तो क्लियर है, ये स्लेंडरनेस रेशियो है इस तरफ और ये है यील्ड,
इलस्ट्रेस और ये कभी कभी मान लीजिए 250 देता तो ठीक क्वेश्चन दिया ठीक, अगर मान लीजिए क्वेश्चन 230 दिया 230 का देखना पड़ेगा, 300 दे देगा इलस्ट्रेस तो 300 देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने बताया था आपको 250 के लिए मान लीजिए जो क्वेश्चन में देगा कि हमारा जो स्टील है उसका यील्ड स्ट्रेस 230 है, तो 230 अगर होगा तब ये वाला हम वैल्यू देखेंगे, 250 होगा तो ये वाला वैल्यू देखेंगे ठीक। और ये स्लेंडरनेस रेशियो है तो इसके बीच में हम लोग इंटरपोलेट कर लेंगे। चलिए ये टेबल का यूज हम लोग करेंगे और ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, सेफ लोड और कैरिंग कैपेसिटी जो हमारे स्ट्रट का है वो कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए जो आपने एजी है जो ग्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सेक्शन टेकन जो सेक्शन आपने सेलेक्ट किया है उसका ग्रॉस सेक्शन ठीक है, ग्रॉस सेक्शनल एरिया किसका जिसको आपने सेलेक्ट किया है ये ज़्यादा होगा राइट, जो रिक्वायर्ड निकाले थे उसको पुट नहीं करेंगे, ये किसको करेंगे जो हमारे पास अवेलेबल है जो हमने लिया है राइट, इसको बोलते हैं अवेलेबल ठीक। और इसके बाद जो सिग्मा एसी निकल के आया हमारा इंटरपोलेशन थ्रू वो लेके आएंगे और पुट करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा पीडी निकलेगा एंड दिस पीडी इज ये क्या है आपका सेफ लोड है, सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी हमारे स्ट्रट का है या स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेंथ, ये भी स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं इसको, ये स्ट्रेंथ ऑफ एंगल स्ट्रट। क्लियर है, निकल जाएगा ये। अब यहाँ पे एक चीज और करेंगे, बस एक लास्ट स्टेप है, हम लोग चेक करेंगे, चेक फॉर स्ट्रेंथ इज इट सेफ और नॉट। तो अगर हमारा जो आपने निकाला है स्ट्रेंथ, अगर स्ट्रेंथ जो है वो लोड से ज्यादा होता है ठीक है तो सेफ हो जाएगा, अगर इस तरह का कंडीशन है तो ये सेफ है, और अगर स्ट्रेंथ कम हो गया तो ये अनसेफ हो जाएगा और ये हमारा सेक्शन सही नहीं होगा उस केस में, और फिर हम लोगों को दूसरा सेक्शन चूज करना होगा और फिर से पूरा रिपीट कीजिए आप ठीक है। फिर से जो पूरा जो डिजाइन प्रोसीजर अभी बताया हमने स्टेप 1 से लेके 8 तक पूरा रिपीट करिए फिर इस पे आइए, और अगर ये सही सेफ आता है तो ओके हमारा डिजाइन हो गया। और इसके बाद जो है एक स्टेप और आता है जो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो करेंगे, नहीं पूछा जाता तो नहीं भी कर सकते हैं ठीक है, वो है एंड कनेक्शन, एंड कनेक्शन की डिजाइन की हम बात करेंगे ठीक। तो ये स्टेप लास्ट स्टेप जो है आपका डिजाइन ऑफ एंड कनेक्शंस, और इसमें हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, और जिस तरह से बोला जाए अगर क्वेश्चन में दे दिया कि रिवेट कनेक्शन करना है तो रिवेटेड कनेक्शन से बात करेंगे, वेल्डेड दे दिया तो वेल्डेड की बात करेंगे ठीक है। तो इसको डिजाइन करने के लिए क्या करेंगे बताइए आप लोग तो मास्टर हो चुके हैं इसमें, बोलिए सर। सबसे पहले स्ट्रेंथ निकालेंगे, इसमें क्या कीजिएगा आपको ये चाहिए, एज्यूम करिएगा ना, यस सर, इसका नॉमिनल डायमीटर एज्यूम करेंगे, इससे हमारा डी निकल जाएगा। अब 5+1.5 या 5+2 जो ऐड करना वो करेंगे, डी निकल जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे पीएस एंड पीबी निकल जाएगा, पीबी उसके बाद रिवेट वैल्यू निकाल लेंगे, मिनिमम ऑफ पीएस एंड पीबी, उसके बाद क्या करेंगे नंबर ऑफ रिवेट निकालेंगे ठीक है, ये हो सकता है लोड दिया रहेगा आर भी कर से कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ रिवेट निकल जाएगा। उसके बाद उसका जो ओरिएंटेशन है पिच की बात करेंगे ठीक है, एंड रिटर्न्स की बात करेंगे, तो ये सब क्या होगा ये भी बताना होगा ठीक, कैसे इसका ओरिएंटेशन डायमंड रिवेटिंग करना है, चेन रिवेटिंग करना है, किस तरह का रिवेटिंग करेंगे वो भी बताएंगे ओके। तो ये करेंगे, उसके बाद वेल्डिंग की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या करेंगे कोई और बताइए सर, साइज ऑफ लेग, फिर थ्रो थिकनेस, उसके सर ये क्या था लेंथ ऑफ वेल्ड, लेंथ निकालेंगे ठीक है सर, इसके बाद फिर उसका ओरिएंटेशन करेंगे, इफेक्टिव एरिया करेंगे, कहां कितना कितना लगाना है वेल्ड, हां कहां कहां कितना कितना यूज करना है वो करेंगे ठीक है, मतलब उसका कैसे लगाना है, क्या उसको एक ही तरफ लगाना है दोनों तरफ लगाना है वो सब देखेंगे, किधर लगाएंगे नहीं लगाएंगे, तो ये तो कॉमन चीज है ठीक है, ये आपको हर जगह मिलेगा जैसा हमने पहले किया है
रिवेटेड कनेक्शन पड़े उस समय, वेल्डेड कनेक्शन पड़ रहे थे उस समय, और लास्ट चैप्टर में हमने देखा है, तो ये हो जाएगा राइट। इसको हम लोग क्वेश्चन में करेंगे, बाकी आप लोगों को नहीं अगर अभी भी दिक्कत आ रहा है तो जाके करिए। इतने सारे हम लोगों ने न्यूमेरिकल ऑलरेडी कर चुके हैं और सब में हम लोगों ने ये काम किया, काफ़ी इस पर हम लोगों ने मेहनत की। ठीक, चलिए, तो ये हमारा लास्ट स्टेप हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं और एक और बात कर लेते हैं टैकिंग रिवेट्स की। तो टैकिंग रिवेट्स कहाँ यूज करते हैं, तो ये क्या है आपको कंप्रेशन मेंबर में, इन कंप्रेशन मेंबर व्हेन द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट रिवेट, मतलब आसपास में जो रिवेट है उसके बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर 12T और 200 mm इससे एक्सीड कर जाता है, इसमें जो छोटा होगा उससे एक्सीड कर जाएगा, इन दैट केस हम लोगों को टैकिंग रिवेट्स को यूज करना होता है। द स्पेसिंग ऑफ टैकिंग रिवेट्स फॉर कंप्रेशन मेंबर शुड बी सो शुड बी कैप्ट सो डैट, यहाँ शो कर दीजिए, सो डैट द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ इच मेंबर बिटवीन द कनेक्शन इज नॉट लेस देन 40 नॉट मोर देन 60, 40 to 60 के बीच में हमारा स्लेंडरनेस रेशियो रहना चाहिए। उस केस में इस तरह से कनेक्शन करना होगा, स्पेसिंग देना होगा। तो इस पर हम लोग को ज़्यादा डिजाइन में इसका यूज नहीं करेंगे टैकिंग रिवेट्स का। द स्पेसिंग बिटवीन टू टैकिंग रिवेट्स शुड नॉट एक्सीड 600 mm इन एनी केस। ठीक है, तो टैकिंग रिवेट जब जनरली हम लोग क्या कब देते हैं, जैसे मान लीजिए इस तरह से हम लोगों ने लगाया है एंगल सेक्शन को, डबल एंगल है, ये तो कनेक्टेड रहता है, ये कनेक्टेड रहता है, लेकिन ये जो पोर्शन है ये कनेक्टेड नहीं है, तो इसको ज्वाइन करने के लिए कहीं कहीं हम लोग टैकिंग रिवेट का यूज करेंगे। अब इसमें जो है आपको डिपेंडिंग अपॉन जो उसका थिकनेस होगा, साइज होगा, उसके हिसाब से हम लोग रिवेट का जो डायमीटर है वो करते जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं मान लीजिए आप 16 mm का रिवेट यूज कहाँ करेंगे, जहाँ पे ये बुक में भी होगा आपका, कि अगर मान लीजिए हमारा 10 mm थिकनेस का मेंबर है, उतना ही 10 mm से ज़्यादा नहीं है, अप टू 10 mm है, तो हम लोग 16 mm का रिवेट यूज कर लेंगे। अगर मान लीजिए अगर 10 से 16 के बीच में है तो 20 mm का रिवेट यूज कर लेंगे, और अगर मोर देन 16 है तो हम लोग 22 mm का रिवेट यूज कर लेंगे एज अ टैकिंग रिवेट। तो ये करेंगे और इसका एक इंटरवल रखेंगे, स्पेसिंग रखेंगे, और ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये हम लोग को डिजाइन में अभी नहीं आएगा, हमारा डिजाइन काफ़ी सिंपल है जिसमें टैकिंग रिवेट को हम लोग डिजाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बट एक जानने के लिए बस इसको समझ लीजिए कि टैकिंग रिवेट प्रोवाइड करने से हमारा ये होगा कि पूरा सेक्शन इफेक्टिव बन जाता है। ठीक, अगर इसको नहीं करते हैं तो ये कुछ हो गया, आपको याद होगा सीयर लैग वाला जो चीज़ मैंने बताया था आपको कि वो टेंशन में आता था, उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ क्या होगा, जो स्ट्रेस है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा हर जगह, तो ये मेंबर जो है उतना इफेक्टिव नहीं हो गया, तो इसलिए दिक्कत होगा राइट। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं रहेगा, जिसको हम लोग अज्यूम करके चलते हैं यूनिफॉर्म है, बट इन दिस केस हम लोग टैकिंग रिवेट अगर लगा देते हैं तो वो ज़्यादा स्ट्रांग हमारा जॉइंट रहेगा। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और स्ट्रेंथ कैलकुलेशन की अब हम बात करते हैं। यस सर। तो इसमें हम लोग क्या करना है, क्वेश्चन में स्ट्रेंथ कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, देखेंगे पहला एग्जांपल। तो इसमें देखिए कहा क्या जा रहा है, क्या क्या दिया हुआ है, पहले उस चीज को देखते हैं। कैलकुलेट द सेफ कंप्रेसिव लोड कैपेसिटी ऑफ ए डिसकंटिन्यूअस एंगल सिंगल एंगल स्ट्रट। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस सिंगल एंगल स्ट्रट, ये पकड़ना है आपको कि हम लोगों को क्वेश्चन में ही दिया रहेगा डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, सिंगल एंगल है। उसके बाद यहाँ पे आपको दे दिया है, सेक्शन ही दे दिया कि ISA 100 × 100 × 8 ये दिया हुआ है। द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सेंटर ऑफ इट्स फास्टेनिंग इज 2.6 meters। ठीक है, लेंथ भी हमको दिया हुआ है। द एंगल इज कनेक्टेड एट इच लेग बाय, दो केस बन गया, एक केस में 1 rivet से कनेक्टेड है और एक केस में 2 rivet से कनेक्टेड है। डेटा हमारे पास क्या है गिवन, उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सेक्शन गिवन है ISA 100 × 100 × 8। ठीक है, मतलब इस तरह का, इसको जो है गसेट प्लेट से ऐड किया जा रहा है, बट ये कॉम्प्रेशन मेंबर है। ठीक, तो कहा जा रहा है दो केस, एक केस ऐसा बन रहा है जहाँ पे एक ही रिवेट से कनेक्शन हो रखा है
एंड कनेक्शन। ठीक है, एक चीज और देखा है उसको लिख लेते हैं, एल इज इक्वल टू 2.6 मीटर। और निकालना क्या है, तो सेफ कॉम्प्रेसिव लोड कैपेसिटी, ठीक है, लोड कैरिंग कैपेसिटी भी लिखना चाहिए। इसको हम लोगों को निकालना है पी पी, या उसको हम लोग पी डी कह रहे थे, वही चीज है, स्ट्रेंथ निकालना है। तो स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए बताइए आप लोग। एरिया चाहिए क्या? ठीक है, yes, और क्या चाहिए? सिग्मा एसी चाहिए। ठीक है, दो चीज चाहिए। तो मान लीजिए जब क्वेश्चन में हमको एजी नहीं दिया है, जो कि अगर सेक्शन पता है तो हम लोग कहाँ से ले सकते हैं एजी? स्टील टेबल का यूज कर सकते हैं, है ना? बोलिए। yes, तो आप लोग एक बार टेबल स्टील टेबल में जाके देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ, इसको लिख लेंगे यहीं पे, जाके बताइए जरा बुक में होगा। एजी बताइए कितना है? ये 15.39 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको बदल लेते हैं 1539 mm². उसके बाद इसका जो आर एक्स एक्स है कितना है? सर इसका आर एक्स एक्स है सर 3.07 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको भी एमएम में लिख लेते हैं। ठीक है, और आर वाई वाई बताइए सर। आर यू यू दिया हुआ है सर, मतलब 3.88 सेंटीमीटर। आर यू यू जो है 3.88 सेंटीमीटर। आर वाई वाई दिया है? यस सर, आर बी भी 1.95 सेंटीमीटर। आर बी भी दिया हुआ है कितना? 1.95 सेंटीमीटर। ठीक है, एक तो सेंटीमीटर है 19.5 mm। और आर वाई वाई नहीं दिया है, देखिए ये भी होगा सेम एक्स इक्वल टू आर वाई वाई है सर, मतलब दोनों बराबर हैं। अच्छा, ये तो ठीक है, इक्वल एंगल है, सो ये तो हमारा सेम ही है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमको यहाँ से मिल गया। तो इतना वैल्यू आपको पता चल गया इनिशियली, है ना? तो ये हम लोग को कहाँ से मिल रहा है? ये स्टील टेबल से, ये देखने आना चाहिए आप लोगों को, फ्रॉम स्टील टेबल। इसको नोट कर लीजिए, सब लोग नोट करिए, फिर आगे बढ़ते। केस वन का मतलब ये है कि अगर ये हमारा गसेट प्लेट है और इसको हम बोल रहे हैं कंप्रेशन मेंबर यहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक ही रिवेट से कनेक्टेड है। ठीक, एक ही रिवेट से अगर कनेक्शन हो रखा है, सो इन दिस केस, केस वन में एक ही से है, तो यहाँ पे बस फर्क क्या पड़ेगा, जो इफेक्टिव लेंथ निकालते हैं ना, एक वहाँ फर्क पड़ेगा, सिग्मा ऐसे निकालते हैं वहाँ फर्क पड़ेगा। तो जो टेबल मैंने अभी बताया था आपको इफेक्टिव लेंथ का, उसको देख सकते हैं कि क्या होता है, राइट? सो केस वन, यहाँ पे केस वन क्या है कि जो हमारा लिख सकते हैं व्हेन कनेक्टेड बाय वन रिवेट, राइट, इन ईच एंड। ठीक है, तो इन दिस केस जो हमारा इफेक्टिव लेंथ है वो हमको बताइए कितना होगा। सर ये है सर 1.0 into L, मतलब L। हाँ, तो 1.0 into L मतलब ये L के ही बराबर है। ठीक है, L के बराबर है, मतलब हमारा L कितना है देखिए, 2.6, सो 2.6 मीटर। इसको आप अगर mm में बदलना चाहेंगे कितना हो जाएगा, 2600। ठीक, 2600 mm इफेक्टिव लेंथ, क्लियर है? लेकिन आपको एक चीज और यहाँ ध्यान रखना है कि जो अलाउएबल स्ट्रेस होगा, अलाउएबल
कंप्रेसिव स्ट्रेस लिख देते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस ये कितना होगा बोलिए। ये 0.8, यही हम सुनना चाह रहे हैं आपसे, 0.8 इंटू सिग्मा एसी करेंगे ठीक। लेकिन अभी हमको सिग्मा एसी तो पता ही नहीं है राइट, ये करेंगे, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे सिग्मा एसी नहीं पता है। तो सिग्मा एसी नहीं पता है तो हम लोग को यहाँ से एक्चुअली हम लोगों को लेंथ मिल गया है ठीक, रेडियस ऑफ गायरेशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए जो सेक्शन हमारा है फॉर दैट, अगर रेडियस ऑफ गायरेशन हमको बताइए क्या होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ आर एक्स एक्स, आर वाई वाई, आर यू यू एंड आर बी बी, इन चारों में देखिए तो मिनिमम कौन है, आर बी बी, कितना वैल्यू आता है 19.5 mm ठीक, 19.5। अब देखिए एक वैल्यू हमको एल मिला हुआ है और यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन भी आपको मिल गया, तो क्या हम स्लेंडरनेस रेशियो निकाल सकते हैं बताइए, निकलेगा ये? यस सर। एल अपॉन आर करिए 2600 कितना आया, 133.33 ये आ गया 133 point, ये है ना, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। चलिए जब हमारा ये पता चल गया, और एक चीज हमको और पता है कि एफ वाई यहाँ पे नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं एफ वाई क्या होगा 250 माइलेज का ही ठीक है, इसको आप एज्यूम कर लीजिए ये माइलेज का बना, ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो ये हमारा माइलेज का बना हुआ है। तो ये पता चल गया और ये वैल्यू पता चल गया, अब इन दोनों से क्या सिग्मा एसी निकलेगा, दो वैल्यू बताइए टेबल से हमको, किसके बीच में लाइज करेगा सर, 130 और 140 के बीच में। चलिए तो लेमडा हम लोग लिखते हैं टेबल से, दो वैल्यू खाली लिख लेते हैं उसके बाद तो काम हो ही जाएगा, कितना बताया 130 और 140। सिग्मा एसी क्या क्या है वहां पे सर, 57 और 51 ठीक है, 250 महीने देख रहे हैं ठीक है, जहाँ 250 है उसमें जाके देखेंगे। तो अगर इसमें अब हम लोग को ये पता चल गया है तो हम लोग को निकालना किस पे है, 133.33 पे सिग्मा एसी चाहिए ठीक। चलिए इंटरपोलेट करिए, तो एक जो फॉर्मूला हमने बताया आपको, कौन सा बताया था ये इक्वेशन ठीक है, यही काम करना है, इसको x मान लेते हैं, इसको x1, इसको x2 कह दीजिए, इसको y1, इसको y2 कह दीजिए, और इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए, क्या हो जाएगा सिग्मा ए सी माइनस y1 कितना हो जाएगा 51 माइनस 57, x2 हो गया 140, 130 और x हो गया आपको 133.33 माइनस 130, बताइए इसको सॉल्व करके सर ये आ गया 55.002 न्यूटन पर। बाकी लोग बताइए आप लोग का,
ठीक है सर, ठीक है, मतलब सिग्मा सी इज इक्वल टू 55 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये निकल गया कहाँ से, तो टेबल से, राइट, टेबल आपको देखने आना चाहिए। चलिए, जब ये निकल गया तो क्या हम स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, अब क्या हम सेफ लोड निकाल सकते हैं, बोलिए। तो यहाँ से हम लोग को जो अलाउेबल है, अलाउेबल, अलाउेबल सिग्मा एसी कितना है हमारा, 0.8 इंटू, ठीक है, कितना हम लोग को चाहिए, मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, 44 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है ये। और सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ स्ट्रट ये हो जाएगा, जो अलाउेबल है ये हो जाएगा 44 इंटू, एजी कितना था बोलिए, 1539, ठीक है, एजी है, तो ये 44 इंटू 1539 कितना आया, कितना न्यूटन सर, 67716 न्यूटन। ओके, सो दिस इज आवर आंसर पहले केस का, समझ में आ गया सबको, यस सर, ये हो गया। चलिए, तो केस टू का अब लोग निकालते हैं, केस टू में हमारा क्या होगा वो करके अब देखते हैं, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो अब हम लोग केस टू की बात करेंगे, सो उसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, वन रिवेट की जगह टू रिवेट लगा हुआ है, तो कहाँ फर्क पड़ेगा बोलिए सर, अलाउेबल कंप्रेसिव स्टेज पे, अच्छा वहाँ फर्क पड़ेगा, ठीक है, तो केस सेकंड पे आते हैं और यहाँ पे दो रिवेट लगा हुआ है इस तरह से। तो इन दिस केस, अगर हम इस केस की बात करेंगे, व्हेन कनेक्टेड बाय टू रिवेट्स, राइट, एट ईच एंड, ठीक, एट ईच एंड, तो अब बताइए इफेक्टिव लेंथ कितना होगा, 0.85 इनटू 12। हाँ, ये अब आप लोग टेबल में देखिए, जिसको भी है टेबल में कॉपी में नोट कर लिया हो टेबल को, उसको जरूर देखिए, तो 0.85 इनटू एल, अब 0.85 इनटू एल जो है हमारा 2.6 मीटर है, ठीक, कितना आएगा ये, ठीक है, ये मीटर में आ जाएगा। सो इफेक्टिव लेंथ अगर हम लोग देखें तो 2210 mm, ये हमारा इससे पता चल जाएगा कितना होगा, ठीक है। बाकी इसमें अलाउेबल कितना हमारा है बोलिए, सिग्मा एसी, ठीक है। तो अगर इसमें बात करें तो अलाउेबल स्ट्रेस जो है सिग्मा एसी है, तो यहाँ घटाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, एक चीज़ आप बताइए कि स्लेंडरनेस रेशियो के लिए हम लोगों को आर मिनिमम पता है क्या, तो लिस्ट तो हमने पहले ही निकाल लिया है, मिनिमम ऑफ आर यू यू, आर वी वी, आर एक्स एक्स एंड आर वाई वाई। तो आपने बताया आर वी वी मिनिमम है और 19.5 था ना, चलिए
ये तो हम लोग को पता ही है। तो ये पता चल गया, ये पता चल गया, तो लेमडा बताइए कितना होगा। क्या आता है? 113.33। अब थोड़ा सा ये चेंज कर गया है उससे इन दिस केस, ठीक, क्योंकि हमारा इफेक्टिव लेंथ चेंज हो गया है, इसलिए इस तरह से चेंज हुआ। अब हम लोगों को फिर से निकालना पड़ेगा सिग्मा एसी। सिग्मा एसी के लिए एक तो ये हो गया और एफ वाई बराबर 250, ठीक, दोनों को चूज करते हैं। दोनों से जाके अब टेबल में जाइए, ढूंढिए कि किसके बीच में पड़ता है और वहां से निकालिए। किसके बीच में आएगा? सर 110 और 120 के बीच में, ठीक है, 110 और 120 के बीच में आएगा सिग्मा एसी। 110 में कितना आ रहा है? 72 और 64 आ रहा है दोनों का। 72 और 64, ठीक है। और निकालना है हम लोगों को सिग्मा 113.33 पे। सिग्मा एसी बताइए क्या होगा? फिर वही चीज, सिग्मा एसी माइनस, इसको मान लीजिए एक्स वन, इसको मान लीजिए एक्स टू, इसको मान लेते हैं वाई वन, इसको वाई टू, ठीक, इसको वाई मान लिया जाए, इसको एक्स मान लिया जाए, वही फॉर्मूला, y माइनस वाई वन जो करते थे, तो यहाँ 72, 64 माइनस 72 अपॉन 120 माइनस 110 और 113, 69.336। हाँ ठीक है, चलिए तब कंफर्म हो गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं कि सेफ कॉम्प्रेसिव लोड क्या होगा। क्या हो जाएगा? सिग्मा, वो तो एजी कर दीजिए इनटू सिग्मा एसी कर दीजिए, सिग्मा एसी तो घटाना नहीं है। एजी कितना है? 1500। सिग्मा एसी हो गया 69.34। कितना आता है? 106.714। ठीक है, सो इस तरह से यही आ रहा है। आप अगर इसको बदलिएगा किलो न्यूटन में तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। दिस इज आवर आंसर।